Now the next question, question number 6 D, E, F are the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC. Then triangle DEF is congruent to the triangle. There are four options. Here we have a triangle ABC. ठीक है? कोई क्वेश्चन बहुत बार यूज़ किया हुआ है हमने, तो आपको याद भी आ गया होगा। ए बी सी हमारे पास ट्रेंगल है एंड डी ई F हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास यहाँ से वन टू थ्री एंड फोर ट्रेंगल जनरेट हुए हैं हमने ये प्रूव किया था कि ऑल देंगल वन टू थ्री फोर आर कॉन्गोरेंट टू ईच अदर ठीक है अगर ये कॉन्गोरेंट हैं एक दूसरे के तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू बट देखो ध्यान से अगर आपकी याद नहीं है हाउ टू प्रूव देखो ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास जो ए बी है वो हमारे पास पैरलर है ई डी के वाई यूजिंग मिड पॉइंट थियोरम ठीक है यानी कि हम ट्राइंगल में जब भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे तो हमारे पास थर्ड वाली जो साइड है वो क्या हो जाती थी पैरलर ठीक है सिमिलर टाइप से हमारे पास एफ डी पैरलर होगा ए ई के अगर ए बी पैरलर है ई डी के तो हम कह सकते हैं कि एफ ए बी पैरलर होगा हमारे पास ई डी के अब देखो ध्यान से एफ डी ई हमारे पास क्या फॉर्म करेगा पैरलोग्राम फॉर्म करेगा ठीक है अगर पैरलोग्राम है तो हमारे पास ए एफ इक्वल टू डी एंड AE टू एफ डी ध्यान से देखो एफ ई क्या है हमारे पास डायगनल पैरलोग्राम का डाइगनल पैरलोग्राम को क्या करता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ठीक है यानी कि ए एफ ई यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा थर्ड वाले ट्राइंगल यानी कि जो भी हमारे पास गिवेन है ई डी एफ उसकी क्या हो जाएगा कौन तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल फर्स्ट कॉन्गुरेंट है हमारे पास ट्राइंगल सेकंड एंड कॉन्गुरेंट है ट्राइंगल थर्ड एंड कॉन्गुरेंट है ट्राइंगल फोर्थ ठीक है यानी ए एफ इक्वल टू ई डी इक्वल टू एफ डी ठीक है सिमिलर टाइप्स है हम बाकी को भी प्रूव कर सकते हैं बट ऑप्शनल है हमारे पास तो हमारा डायरेक्टली हमारा डी ऑप्शन क्या हुआ ट्रू हुआ ठीक है अगर आपको ये समझना है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अब वहाँ पर जाके देख सकते हैं ठीक है